दिन की शुरुआत हेल्दी ब्रेकफास्ट से हो तो पूरा दिन शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। आज हम बनाएंगे फाइबर से भरपूर ओट्स वाले ब्रेड टोस्ट। मैं इंद्रजीत कौर वेज जायका में आपका स्वागत करती हूँ। ओट्स वाला ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप प्लेन ओट्स लिया है। ओट्स को मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, इसे पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह का दरदरा पीसना है। ओट्स में पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, 1/2 कप पानी पहले डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप बचा हुआ पानी मिलाकर इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हमारा बैटर सेट हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा धनिया, 1 छोटा टमाटर कटा हुआ, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन अदरक बारीक चॉप किया हुआ, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। आधा छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अलसी फ्लैक्स सीड्स पीसे हुए और कलर देने के लिए थोड़ी सी हल्दी। अब हम ओट्स, सब्जियां और मसाले सबको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इस पेस्ट को गाढ़ा ही रखना है ताकि ये ब्रेड के ऊपर आसानी से लग जाए। हमारा बैटर अब तैयार हो चुका है, अब इसे ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। यहाँ मैंने 2 ब्राउन ब्रेड पीस लिए हैं, इसके ऊपर इस बैटर को अच्छी तरह से लगाएंगे। मैंने ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, आप वाइट ब्रेड स्लाइस भी ले सकते हैं। इसी तरह अब दूसरी स्लाइस के ऊपर भी इस बैटर को अच्छी तरह से लगाएंगे। एक नॉनस्टिक तवा लेके उसे पहले से गर्म कर लिया, उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, आप मक्खन भी लगा सकते हैं। अब ब्रेड के जिस तरफ ओट्स वाला बैटर लगाया है उस साइड को पहले सेक लेंगे। अब ब्रेड के दूसरी साइड पर भी बैटर को अच्छी तरह से लगा लेंगे और मीडियम आंच पर ही सेकेंगे इसको। ये पूरी तरफ अच्छे से लगा लेना है। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी या बटर लगा लेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको सेक लेंगे अच्छे से। टोस्ट अभी इस साइड से अच्छी तरह रोस्ट नहीं हुआ है, टोस्ट को दोनों तरफ से और रोस्ट करेंगे जब तक कि हमें लगे ना कि ये पूरी तरह रोस्ट हो गया है। टोस्ट का स्वाद कच्चा नहीं आना चाहिए। अब इस टोस्ट को तवे से उतार लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे पीस को भी दोनों तरफ बैटर लगा के अच्छी तरह से सेक लेंगे। हमारा दूसरा पीस भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। अब इसे भी तवे से उतार लेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये हमारे ओट्स वाले टोस्ट तैयार हैं। इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, चाहे रेक्टेंगल, ट्रायंगल या स्क्वायर। ये बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी है। अब ओट्स वाले टोस्ट को सॉस के साथ प्लेट में सर्व करेंगे।